टीम, वो आदमी को देखो, उसके पैंट में वैसी ही ब्लैक मिट्टी लगी हुई है जो उस दिन शिप में दिखी थी। टीम धीरे धीरे उस आदमी का पीछा करने लगता है। लेकिन वो आदमी की नजर टीम पे पड़ जाती है और वो तेज भागने लगता है। टीम और एंडरसन दोनों उसका पीछा करते हैं। साउथ अफ्रीका की गलियों को क्रॉस करते हुए वो एक डेड एंड पे पहुंच जाता है। अब कहां बच के जाएगा तू? तभी टीम जोरों से चिल्लाता है, एंडरसन जरा बचकर। क्यों लॉजिकल आदमी, टीम ने ऐसा क्यों चिल्लाया? सोचिए सोचिए। टीम और एंडरसन दो ही लोग हैं, लेकिन उनके सामने चार परछाई बन रही है, मतलब उनके पीछे कोई है। लेकिन इसके पहले कि दोनों रिएक्ट करते, कोई पीछे से स्लीपिंग गैस छोड़कर उन दोनों को सुला देता है। पता, तू फातिमा के घर क्यों गया था? मुझे एक आदमी ने 10,000 रुपये दिए थे फातिमा के रूम से एक ब्राउन पेपर लाने के लिए। ब्राउन पेपर फातिमा के घर में? चियांग उस बंदे को एक कोने में फेंक देता है। चियांग तुरंत फातिमा के घर पहुंच जाता है। फातिमा, शायद तुम्हें जो मारने आया था वो कुछ भुला है तुम्हारे घर पर। दोनों पेपर ढूंढने लगते हैं। लॉजिकल आर्मी पेपर में एक ऐसी कंट्री का नाम लिखा है जिसमें अगर कॉन्टिनेंट को डायरेक्शन दे दे तो वो कंट्री बन जाएगी। सोचे लॉजिकल आर्मी, ऐसी कौन सी कंट्री है जिसमें कॉन्टिनेंट को डायरेक्शन देने पे वो बन जाती है? अफ्रीका में अगर साउथ लगा दे तो वो हो जाएगा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका? लेकिन इसमें साउथ अफ्रीका क्यों लिखा हुआ है? आलिया, सोया बहुत डरी हुई है, सहमी सहमी सी है, उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसके पापा का भी पता करना बहुत जरूरी है। तुम अभी इसे इंडिया लेके जाओ और डॉक्टर संजना के साथ इसका ध्यान रखो। तभी मेहुल के पास एक सीक्रेट कॉल आता है। अगर A इक्वल टू 1 है और Z इक्वल टू 26 है तो 19, 15, 14, 9, 25, 1 ये किसका कॉल हो सकता है? लॉजिकल आर्मी अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ये तो सोनिया का कॉल है। मेहुल, साउथ अफ्रीका में कुछ बड़ी प्लानिंग चल रही है। बिग डैडी, माइकल और मार्को वहीं जाने वाले हैं। मार्को दुबई में है? वो दुबई कैसे पहुंच गया? आलिया, तुम मुंबई के लिए निकलो, मैं डिटेक्टिव सोसाइटी के नेक्स्ट मैसेज का वेट करता हूँ। तभी मेहुल के पास चियांग का मैसेज आता है। चियांग को कोई पेपर मिला है जिसमें साउथ अफ्रीका का मेंशन है, जरूर वहां कुछ बड़ा होने वाला है। टीम और एंडरसन को एक अंधेरे सन्नाटे से भरे कमरे में रखा गया है जहां उनका सामना ड्रैकोनेक्सस के कुछ खतरनाक गुंडों से था। तुम लोग यहां क्या कर रहे थे और वेनम वेब और ड्रैकोनेक्सस के बारे में क्या क्या जानते हो? हम सिर्फ टूरिस्ट्स हैं, हमें कुछ नहीं पता। झूठ मत बोलो, तुम दोनों ने हमारे ऑपरेशंस के बारे में पता लगाया है। अब बताओ और किस किस को जानते हो? हमें सच में कुछ नहीं पता, हमें छोड़ दो। टीम और एंडरसन एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और कुछ इशारा करते हैं। ये सेम कार्ड्स दोनों के पॉकेट में और ब्लैंक है, ये क्या कार्ड्स है? जल्दी जल्दी बोलो नहीं तो दोनों को उड़ा दूंगा। ये कार्ड्स हमारे फिंगरप्रिंट से चलते हैं। टीम नहीं थी, उन्हें ये नहीं बताना था। कितने बेवकूफ लोग हो तुम दोनों। ये तो इनका आइडेंटिटी कार्ड जैसा दिख रहा है, ये दोनों तो डिटेक्टिव्स हैं।
ड्रैकोनेक्सेंस की मीटिंग। एक घमासान सन्नाटा था। मार्को और माइकल बिग डैडी के सामने खड़े थे। बिग डैडी, हमें नए स्ट्रेटजीज पर फोकस करना चाहिए। आरव की गिरफ्तारी ने हमारे प्लान्स को चौपट कर दिया है। लेकिन डैड, मैंने भी कुछ प्लान्स तैयार किए हैं, अगर आप मुझे एक मौका दो। मार्को, तुम सही कह रहे हो, ये मेहुल एंड आलिया बहुत परेशान कर रहे हैं। बिग डैडी, आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। हमारे आदमियों ने दो डिटेक्टिव्स को पकड़ा है। आई एम प्राउड ऑफ यू मार्को। हमें तुरंत साउथ अफ्रीका के लिए निकलना चाहिए, उनसे काफी सुराग मिल सकते हैं। मार्को बड़ा खुश है, इनाम मिलेगा हमें। टीम, तुमने फंसा दिया हमें। वही आदि के पास सिग्नल पहुंच जाता है। टीम और एंडरसन साउथ अफ्रीका में ट्रैप्ड हैं। मुझे P2 सिग्नल्स आ रहे हैं। उनके कार्ड से मतलब प्रायोरिटी 2 हेल्प की उन्हें जरूरत है। डिटेक्टिव सोसाइटी के डिटेक्टिव कार्ड्स इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स हैं। वो डिटेक्टिव्स के फिंगरप्रिंट से चलते हैं, और अगर किसी और के फिंगरप्रिंट्स उस पे आए तो प्रायोरिटी हेल्प रेस हो जाती है और कार्ड्स की लोकेशन तुरंत डिटेक्टिव सोसाइटी के पास पहुंच जाती है। एंडरसन ने फिंगर को 2 बार उस पे टैप किया जब गुंडे उसके फिंगरप्रिंट ले रहे थे, इसलिए आदि को समझ गया कि उसे P2 हेल्प चाहिए। चीफ, टीम और एंडरसन दिक्कत में है। मेहुल को तुरंत साउथ अफ्रीका जाने के सिग्नल्स भेज दो। वही आलिया मुंबई के लिए निकल जाती है। जोया, अब मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी। जल्दी से जल्दी जोया के पापा का पता लगाना होगा। मेहुल फातिमा को जोया के पापा का पता लगाने के लिए मैसेज भेज देता है। तभी मेहुल के पास एक नंबर से कॉल आता है। लॉजिकलाल में, क्या मुझे कमेंट में बता सकते हैं ये कौन है? सोचिए सोचिए। डिटेक्टिव सोसाइटी के सारे कॉल सीक्रेट तरीके से आते हैं। आदि का नाम उल्टा लिखा हुआ है। IDAA मतलब आदि। आदि का कॉल जरूर कोई इमरजेंसी है। आदि मेहुल को बताता है कि उसे एंडरसन और टिम के P2 सिग्नल्स आए हैं और उसने मेहुल को दोनों की लोकेशन भेज दी है। जल्दी से मेहुल को साउथ अफ्रीका के लिए निकलना है। मुझे तुरंत अफ्रीका के लिए निकलना है। जलाल सर, दुबई का ध्यान रखना और मुझे बिग डैडी की खबर देते रहना। मेहुल तुरंत अगली फ्लाइट से साउथ अफ्रीका के लिए निकल जाता है। साउथ अफ्रीका की हवा में गर्मी थी, लेकिन बिग डैडी के आने से उसकी गर्मी और बढ़ गई थी। वो अपने गार्ड के साथ उतरता है। उसका चेहरा सख्त और इरादे बहुत मजबूत थे। यहाँ का मौसम तीखा है, लेकिन हमारा मिशन और भी तीखा होगा। टीम और एंडरसन हमारे कब्जे में हैं। अब इन दोनों को बकरा बना के हम मेहुल को ट्रैप करेंगे। अब मेहुल को कोई नहीं बचा पाएगा। मेहुल के आखिरी दिन शुरू हो गए। अब तेरे भी आखिरी दिन शुरू हो गए मार्को। उधर मेहुल साउथ अफ्रीका पहुंच चुका था। उसका मिशन क्लियर था। टीम और एंडरसन को बचाना है और बिग डैडी के प्लान्स को नाकाम करना है। आई होप आलिया सही से मुंबई पहुंच गई होगी। आलिया को कभी जोया और सारा का सीक्रेट नहीं पता चलना चाहिए। मेहुल को आदि का मैसेज आता है। आदि ने टैक्सी नंबर भेजा है, लेकिन ये तो कोडेड है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप ये टैक्सी नंबर को डिकोड करके बता सकते हैं? मेहुल को सामने खड़ी तीनों टैक्सी में से कौन सी टैक्सी लेना चाहिए? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। स्टार्ट 3rd नंबर से करो। 2 खुद के मिरर रिफ्लेक्शन से जुड़ा हुआ है। अगर उसको सेपरेट कर देंगे तो आपको राइट में 2 मिल जाएगा। वैसे ही बाकी नंबर्स भी है। अगर आप उल्टे ट्राइंगल को कट करेंगे तो 7 मिल जाएगा और 8 को कट करेंगे तो 3 मिल जाएगा। तो नंबर हो गया 7327। तो मेहुल को टैक्सी नंबर 3 लेना चाहिए। पहली बार साउथ अफ्रीका आया हूँ, आलिया होती साथ में तो काफी मदद हो जाती। तभी मेहुल के पास आदि का कॉल आता है। वो लोकेशन एयरपोर्ट से अराउंड 100 किलोमीटर दूर है। मैं तुम्हें ट्रैक कर रहा हूँ। मुझे खबर मिली है कि बिग डैडी भी साउथ अफ्रीका पहुंच गया है। आई होप टिम एंड एंडरसन सेफ हों। उन्हें कुछ नहीं होगा। क्या जोया के पापा का पता चल जाएगा? क्या टिम और एंडरसन को मेहुल बचा पाएगा? देखेंगे हम अगले एपिसोड में।